तो यार क्या हाल है एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और हम लोग मना रहे हैं व्यूअर्स रिक्वेस्ट वीक हमारे इस चैनल पे। और आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं ऑसम इंट्रोस आई मूवी में। और इस वीडियो को रिक्वेस्ट किया है मेरे सब्सक्राइबर्स सतीश कुमार ने और ओशन ऑफ म्यूजिक ने। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। स्वागत है आप सबका आई एम डिजिटल योर्स यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ डीडी आपका यार और ये है टेक मंगलवार। तो सबसे पहले हम जाएंगे YouTube पे और सर्च में लिखेंगे ग्रेडियंट वीडियो बैकग्राउंड और उसके बाद जाएंगे फिल्टर वाले ऑप्शन में और चूज करेंगे क्रिएटिव कॉमन्स। यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। मुझे ये वाला ऑप्शन पसंद है, इसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद कॉपी करूँगा इसके लिंक को और जाऊँगा एक वेबसाइट पर जिसका नाम है savefrom.net। इस लिंक को पेस्ट करूँगा और इस वीडियो को डाउनलोड कर लूँगा। इसके बाद ओपन करेंगे कीनोट और चूज करेंगे एक टेम्पलेट, मैक्सिमाइज करेंगे कीनोट को और उसके बाद इन सारी चीज़ों को सेलेक्ट करके हम डिलीट कर देंगे। इस स्लाइड का बैकग्राउंड फिलहाल ब्लैक है, हमें इसे करना है ट्रांसपेरेंट। तो हम जाएंगे कलर फिल वाले ऑप्शन में और चूज़ करेंगे नो फिल। अब जाएंगे ऊपर और प्रेस करेंगे इंसर्ट पे और उसके बाद सेलेक्ट करेंगे चूज़ का ऑप्शन और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे हमारे लोगो को और उसे इंसर्ट कर देंगे। अब लोगो को रिसाइज करेंगे और इन येलो बार्स की मदद से इसे सेंटर अलाइन कर देंगे। अब हमें ऐड करना है एक एनिमेशन, तो हम जाएंगे ऊपर एनिमेट वाले ऑप्शन में और यहाँ पे पहले ऑप्शन यानी कि बिल्ड इन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, प्रेस करेंगे ऐड एन इफेक्ट पे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे एक इफेक्ट जिसका नाम है स्केल बिग। अब हमें एक और एनिमेशन ऐड करना है, हमें इस लोगो को मूव करना है लेफ्ट साइड पर। तो हम सेलेक्ट करेंगे लोगो को और उसके बाद दोबारा जाएंगे एनिमेट वाले ऑप्शन में और चूज़ करेंगे एक्शन, फिर से प्रेस करेंगे ऐड एन इफेक्ट और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे मूव वाला एनिमेशन। फिलहाल ये लोगो राइट साइड में मूव हो रहा है, हमें इसे लेफ्ट में मूव करना है तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे और इस येलो लाइन की मदद से हम इसे लेफ्ट में ड्रैग कर देंगे। अब हमें ऐड करना है एक टेक्स्ट, तो हम जाएंगे ऊपर टेक्स्ट बॉक्स वाले ऑप्शन में और यहाँ पर लिख देंगे एक लाइन और टाइप कर देंगे IMDY। इसे फॉर्मेट करने के लिए हम जाएंगे ऊपर राइट साइड वाले कॉर्नर पर, चूज़ करेंगे फॉर्मेट, सेलेक्ट करेंगे एक बढ़िया सा फॉन्ट और इंक्रीज़ कर देंगे इसके फॉन्ट को। इस टेक्स्ट को प्लेस कर देंगे यहाँ पे। टेक्स्ट को प्लेस करने के बाद आइए एक बार अलाइनमेंट और स्पेसिंग चेक कर लेते हैं। तो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ इस लोगो को और उसके बाद प्रेस कर रहा हूँ इस रेड डॉट पे और ये थोड़ा सा दूर है इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा नज़दीक ले आता हूँ मेरे टेक्स्ट के। अब ऐड करेंगे एक एनिमेशन इस टेक्स्ट पे, जाएंगे एनिमेट वाले टैब में और बिल्ड इन में हम सेलेक्ट करेंगे एक इफेक्ट, मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ डिसॉल्व वाला एनिमेशन। आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से एनिमेशन के ड्यूरेशन को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब जाएंगे नीचे और क्लिक करेंगे बिल्ड ऑर्डर पे। यहाँ से हम एनिमेशंस के ऑर्डर और ट्रिगर को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं चेंज कर रहा हूँ ऑन क्लिक से आफ्टर ट्रांजिशन या ऑन क्लिक से आफ्टर बिल्ड 1 या ऑन क्लिक से विथ बिल्ड 2। तो मैं दोबारा सेलेक्ट करूँगा लोगो को, प्रेस करूँगा इस रेड डॉट पे और एनिमेशन के हिसाब से इनको मैं थोड़ा सा लेफ्ट में मूव कर दूँगा। एक बार इसको प्ले करके देखते हैं। हाँ, अब ये सही लग रहा है। अब मैं ऐड करूँगा सोशल मीडिया हैंडल्स। इसके लिए मैं जाऊँगा ऊपर इंसर्ट पे, सेलेक्ट करूँगा चूज़ और यहाँ से चूज़ करूँगा यूट्यूब का लोगो और उसको इंसर्ट कर दूँगा। इसको रिसाइज कर देते हैं, इंसर्ट करेंगे एक टेक्स्ट और टाइप कर देंगे /IAMDigitallyYours और इसको फॉर्मेट कर देंगे इसके साइज़ के हिसाब से। इसको सेलेक्ट करके मैं प्लेस कर दूँगा यहाँ पे। इसी तरीके से हम इंसर्ट करेंगे फेसबुक और इंस्टाग्राम के लोगो को और इस टेक्स्ट को हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। इसके बाद सेलेक्ट करेंगे इन तीनों सोशल मीडिया हैंडल्स को और इनको सेंटर अलाइन कर देंगे। इन्हें सेंटर अलाइन करने के बाद हम करेंगे राइट क्लिक और चूज़ करेंगे ऑप्शन ग्रुप और इन्हें कन्वर्ट कर देंगे एक ग्रुप में। अब ऐड करेंगे एक एनिमेशन, जाएंगे एनिमेट वाले टैब में और यहाँ बिल्ड इन वाले ऑप्शन से हम सेलेक्ट करेंगे एक एनिमेशन जिसका नाम है क्यूब, बाउंस को करेंगे डिसेबल और एनिमेशन को चेंज कर देंगे टॉप टू बॉटम और इसके ड्यूरेशन को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। क्लिक करेंगे बिल्ड ऑर्डर पे और इसके ट्रिगर को हम चेंज कर देंगे विथ बिल्ड 2। एक बार इसको फुल स्क्रीन में प्ले करके देखते हैं। एक बार फाइनल अलाइनमेंट चेक कर लेते हैं और इसको सेंटर अलाइन कर देते हैं। अब प्रेस करेंगे फाइल, चूज करेंगे ऑप्शन एक्सपोर्ट और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे मूवी, इन दोनों ऑप्शंस को कर देंगे 0
चूज़ करेंगे एक कस्टम रेजोल्यूशन, मैं लिख रहा हूँ 1920x1080, और ये वाला ऑप्शन एनेबल करूँगा जिसका नाम है Apple ProRes 4444। इसको एक नाम दे देंगे, मैं लिख रहा हूँ इंट्रो, और इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से लग रहा है हमारा वीडियो जिसे हमने बनाया था कीनोट पे। अब चलेंगे आई मूवी में, प्रेस करेंगे इम्पोर्ट मीडिया और चूज़ करेंगे वो ग्रेडियंट वीडियो जिसे हमने YouTube से डाउनलोड किया था। अब इस क्लिप को हम प्लेस कर देंगे टाइमलाइन पे और राइट क्लिक करके चूज़ करेंगे ऑप्शन डिटैच ऑडियो, और इसके ऑडियो लेयर को हम डिलीट कर देंगे। अब क्लिक करेंगे इम्पोर्ट वाले बटन पे और उसके बाद इम्पोर्ट करेंगे वो वीडियो जिसे हमने बनाया था कीनोट में, और इसे प्लेस कर देंगे इस ग्रेडियंट क्लिप के ऊपर। एक बार चेक करेंगे कि हमारा एनिमेशन सही तरीके से प्ले हो रहा है कि नहीं। अब इस ग्रेडियंट क्लिप के बाकी के हिस्से को हम डिलीट कर देंगे, करेंगे राइट क्लिक और चूज़ करेंगे ऑप्शन स्प्लिट क्लिप का, और इस हिस्से को हम डिलीट कर देंगे। इंट्रो को हम थोड़ा सा लेफ्ट में लेंगे और इस ग्रेडियंट क्लिप के स्टार्टिंग के हिस्से को हम ट्रिम कर देंगे। एक बार इसको प्ले करेंगे तो हमारा इंट्रो सही तरीके से प्ले हो रहा है, लेकिन जो एंड है वो जल्दी ख़त्म हो रहा है, तो हमें ऐड करना पड़ेगा एक फ्रीज फ्रेम। तो हम जाएंगे अपने इंट्रो वाले लेयर पे, सेलेक्ट करेंगे एक पॉइंट, उसके बाद जाएंगे ऊपर मॉडिफाई में और चूज़ करेंगे ऑप्शन ऐड फ्रीज फ्रेम। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे इस क्लिप के हिसाब से। इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं एक बोनस टिप आपको देता हूँ। सेलेक्ट करेंगे इस ग्रेडियंट वाले लेयर को और उसके बाद चूज़ करेंगे इस सेकेंड वाले ऑप्शन को जो कलर करेक्शन वाला ऑप्शन है, और उसके बाद हम कम कर देंगे हाइलाइट्स को। आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड थोड़ा सा डार्क हो रहा है और हमारा टेक्स्ट उभर के आ रहा है। एक बार इसको फुल स्क्रीन में प्ले करके देखते हैं। आप चाहें तो इसमें अपना मनपसंद बैकग्राउंड म्यूजिक डाल सकते हैं, सिर्फ ड्रैग करके डालना है आपको आपके ऑडियो फाइल को। उसके बाद अपने वीडियो फाइल के हिसाब से आपको ट्रिम करना है आपके ऑडियो को, उस पर लगाना है एक फेड आउट इफेक्ट। आप चाहें तो अपने वीडियो फाइल के ड्यूरेशन को चेंज कर सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। एक बार इसको प्ले करके देखते हैं। और इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं इंट्रो वीडियोस कीनोट और आई मूवी की मदद से अपने यूट्यूब वीडियोस के लिए। तो यार आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो उसको लाइक और शेयर कर दो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर दो और घंटी दबा दो। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मैं आपसे मिलने आऊँगा थर्सडे को 2 मिनट थर्सडे के नए वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऑसम iOS गेम्स के बारे में। तो उस वीडियो को मिस मत करना। तब तक के लिए अपने अपने घरों में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।